तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे मल्टीवर्स टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल्स को शुरू होते हुए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयबल होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जिन लोगों को ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की स्टोरी के बारे में नहीं पता, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर एक 6 घंटे की वीडियो है जिसमें पूरी की पूरी मल्टीवर्स की स्टोरी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो को देखकर आप पूरी की पूरी स्टोरी को कैचअप कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स सबसे लंबी और सबसे बेहतरीन फैन मांगास में से एक है और उनके क्रिएटर से जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और क्रिएटर्स को अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। सुपर बू आखिरकार माजिन ब्रा की करी हुई सारी की सारी तबाही को सही कर देता है और आखिरकार बाबिडी और उसके साथियों को वापस उनके यूनिवर्स भेज दिया गया है, जिसके बाद टूर्नामेंट फिर से शुरू होने वाला है। गोकू काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो बोलता है कि लगता है हम फिर से टूर्नामेंट को शुरू कर सकते हैं, अब मेरी बारी होगी। पर ऑडियंस में अभी भी काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि उनके साथ जो लोग बैठे हैं उन्हीं लोगों ने उन पर अटैक किया था। एक ऑडियंस का मेंबर बोलता है कि तुमने सिर्फ 3 लोगों को वापस भेजा है जबकि इन सभी लोगों ने हम पर अटैक किया था। एक दूसरी लड़की बोलती है कि हाँ, ये सही बोल रहा है, इस लड़की ने मुझ पर अटैक किया था। वो लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद के कंट्रोल में नहीं थी। सभी लोग जो कुछ भी हुआ उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। नापा बोलता है कि हम लोगों को मैनिपुलेट किया गया था, हम वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे। कैकरोट बोलता है कि मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। नापा उसे चुप कराता है। इसके बाद हम किंग कोल्ड को देखते हैं जिसकी बॉडी में कैप्टन गिनी होता है। किंग कोल्ड यूनिवर्स के गॉड्स के पास जाता है और बोलता है कि गॉड्स, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा, मैंने पहले जो कुछ भी किया वो पूरी तरीके से गलत और शर्मनाक था, इसीलिए मैं यहाँ पर माफ़ी मांगने आया हूँ। किंग कोल्ड सुप्रीम काय के सामने झुकता है और बोलता है कि मैं कभी कायशिन्स के साथ फिर से ऐसा नहीं करूँगा। सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम खुद माफ़ी मांगने आए हो, पर हाँ, एक बात से मैं सहमत हूँ, जो कुछ भी हुआ उसमें बाबिडी की गलती थी। मैं जानता हूँ कि बाबिडी ने जिन लोगों को करप्ट किया वो पूरी तरीके से अच्छे नहीं हैं, पर वो लोग खुद भी एक विक्टिम थे, इसीलिए उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो हम उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके बाद हम 2 ऑडियंस मेंबर को देखते हैं जो कि पहले लड़ रहे थे, पर वो दोनों अचानक से ही दोस्त बन जाते हैं। एक बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, दूसरा बोलता है कि हाँ, तुम काफ़ी अच्छे तरीके से लड़ रहे थे, लगता है हम दोस्त बन सकते हैं। तभी वो बोलता है कि मेरे पास एक बहुत ही आसान तरीका है पैसा बनाने का। दूसरा शख्स बोलता है कि नहीं, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे लगता है पहले वाला ज़रूर मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा होगा। इसके बाद हम साउथ सुप्रीम काय को देखते हैं। वो गुस्से में सुप्रीम काय की तरफ देख रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि इन्होंने तो सभी को बहुत ही आराम से माफ़ कर दिया, ये काफ़ी एबनॉर्मल था। कोल्ड वापस अपने यूनिवर्स में जाता है और फ्रीजा और कूलर उसे घूर रहे होते हैं। कोल्ड बोलता है कि क्या हुआ। कूलर बोलता है कि एक बात मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, हमें पता है कि तुम हमारे फादर नहीं हो और हमें ये भी अच्छा नहीं लगा कि तुम इतने लंबे समय से हमें उल्लू बना रहे थे, पर हमने देखा कि तुमने वहाँ पर जाकर काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी बात को रखा और हम ये भी मानते हैं कि तुम हमारे फादर से काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो। फ्रीजा बोलता है कि तुम अपनी पोजीशन को रख सकते हो, पर हम अपने यूनिवर्स में वापस जाकर अपने यूनिवर्स की पॉलिटिक्स और यूनिवर्स की शेयरिंग को दोनों को ही फिर से रीनेगोशिएट करेंगे। इसके बाद हम यूनिवर्स 9 के यामचा को देखते हैं। ये लोग पूरी लड़ाई के दौरान अपने रूम में ही थे। यामचा बाहर आकर देखता है। वो बोलता है कि लगता है सब कुछ शांत हो गया। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि बहुत बढ़िया। रेडिट्स पूछता है कि क्या हुआ, क्या हमारा काम खत्म हो गया। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि नहीं, अभी तो हमारा काम बस शुरू ही हुआ है, सेकंड पार्ट के लिए हमें कहीं और जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स 1 के सुप्रीम काय एकदम से अपना हाथ उठाते हैं और हम देखते हैं कि वो एकदम से उनके हाथ में आने लग जाता है। वो बोलता है क्या, अभी तो मैंने सब लोगों को बचाया, इसके बावजूद भी। सुपर बू बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा सख्त हो। सुप्रीम काय बोलते हैं कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है क्योंकि तुमने बाबिडी के खिलाफ सही समय पर हमारी मदद नहीं करी। सुपर बू बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम कितने बेवकूफ़ लगते अगर मैं एकदम से तुम्हारी टेक्निक से इफेक्ट होने का ड्रामा नहीं करता तो। सुप्रीम काय इस बात पे हंसते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अब तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से जान चुका हूँ। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि सुप्रीम काय सुपर बू को कंट्रोल नहीं कर सकते, सुपर बू उनके कंट्रोल में होने का ड्रामा कर रहा है। इसके बाद हम यूनिवर्स 19 के वॉरियर को देखते हैं जो कि अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देता है। वो बोलता है कि मैं एक अल्ट्रा होने के टाइटल के लायक नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अभी कोर्ट मार्शल कर दें। इसके बाद हम एंड्रॉइड 17 को देखते हैं। वो एंड्रॉइड 18 को देख रहा होता है। वो बोलता है कि मैं इस टूर्नामेंट से परेशान हो चुका हूँ और उस बू ने 18 को भी ठीक नहीं किया,
लगता है मुझे थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा, हो सकता है यामचा मेरी मदद कर दे और नंबर 18 को रिपेयर कर दे, उसके बाद हम आगे का सोच सकते हैं। इसके बाद हम कैकरोट को देखते हैं जो कि वेजिटा का मजाक उड़ा रहा होता है। वो बोलता है कि लगता है तुम तो अच्छे लोगों के साथ फंस गए थे। वेजिटा गुस्से में कैकरोट की तरफ देखता है और बोलता है कि तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं अच्छे लोगों के साथ फंस गया था तो मैं किसी के भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता। इसके बाद वेजिटा कैकरोट से पूछता है कि हाँ एक बात तो मुझे बताओ कि तुम कितनी बारी मर चुके हो। कैकरोट बहुत प्राउडली बोलता है कि बस 3 बारी। इसके बाद हम लोग बारडॉग को देखते हैं। बारडॉग बोलता है कि एटलीस्ट अब हमें उस कीड़े की बात नहीं सुननी पड़ेगी, पर हाँ एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा कंपैशन बढ़ रहा था और मेरे अंदर डाउट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। उन सभी को भूलना ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। तभी हम किंग पिकलो को देखते हैं। किंग पिकलो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, इस किंग पिकलो के अंदर कामे हैं, इसी वजह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नरमाई बढ़ती जा रही है और किंग पिकलो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। इसके बाद फाइनली हम सनब्रा को देखते हैं। वो अपने भाई गोहान के पास आती है और उसे रोकती है। वो बोलती है कि गोहान मुझे माफ़ कर दो, मुझे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था। सनब्रा गोहान के पास आकर रोने लग जाती है। गोहान बोलता है कि ब्रा चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसके बाद हम पेन की तरफ देखते हैं जो कि बहुत ही नफरत से सनब्रा की तरफ देख रही होती है। गोहान सनब्रा को तसल्ली देता है और बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम हमारे पास वापस आ गई। सनब्रा की आंखों में अभी भी आंसू होते हैं और वो पेन को समझाने की कोशिश करती है, पर पेन सनब्रा से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है क्योंकि उसने बेरहमी से उसके फादर को मार दिया था। और वो सनब्रा को गुस्से और नफरत की नज़रों से देखती है और वहाँ से चली जाती है। गोहान बोलता है कि उसे थोड़ा सा समय दो। विडेल बोलती है कि नहीं, उसे काफ़ी समय की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के पास एक मिनी सेल जूनियर होता है। मिनी सेल जूनियर बोलता है कि वो काफ़ी यंग है अभी इन बातों को समझने के लिए। गोहान बोलता है कि तुम अपने एरिया में वापस जाओ। इसके बाद यूनिवर्स 16 का गोहान सेल की तरफ देखता है और बोलता है, सेल तुम उसके इन्फ्लुएंस में नहीं थे, तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो तुम्हारे प्लान का एक पार्ट था और तुम सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करना चाहते थे, इसीलिए तुम और तुम्हारे किसी भी सेल जूनियर को हमारे पास आने की इजाज़त नहीं है। सेल इस बात पर हंसता है और बोलता है कि मैंने काफ़ी बुरा किया, क्या तुम मुझे इसकी पनिशमेंट देना चाहते हो? पर मुझे माफ़ करना, ये बात तो तुम ऑलरेडी साबित कर चुके हो कि तुम मुझे मारने के लायक नहीं हो, तो अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम अपने डबल के साथ मिलकर कोई प्लान बनाओगे ताकि तुम मुझे हरा सको? इसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से यूनिवर्स 18 का गोहान उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। यूनिवर्स 18 का गोहान बोलता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। सेल एकदम से डर जाता है। एकदम से यूनिवर्स 16 का गोहान बोलता है कि सेल तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, इसीलिए जो कुछ भी करो वो काफ़ी संभल कर करना। सेल दोनों गोहान को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, अब हम सब लोग ठीक हैं। पर तब तक दोनों के दोनों गोहान वहाँ से चले जाते हैं और विडेल और गोहान दोनों सेल को देखकर स्माइल करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सेल अब कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद हम वर्गास के टावर को देखते हैं। हम देखते हैं कि वो पहले की तरह सब कुछ ठीक कर चुका होता है और उसने हर जगह अपनी ब्रांडिंग लगा दी होती है। तभी हम देखते हैं कि एक वर्गा होता है जिसे सब लोग ब्लेम कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि कायोशिन ने बोला तो कि वो मेरी गलती नहीं थी, मुझे प्लीज़ फायर मत करना। एक वर्गा बोलता है कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी क्या गलती नहीं थी? पहले वर्गा को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक फीमेल वर्गा आती है। वो बोलती है कि तुम ही तो हो जिसने कॉफ़ी गिरा दी थी। पहला वर्गा हंसने लग जाता है और बोलता है कि हाँ मैं उसी बारे में तो बात कर रहा था। इसके बाद वर्गास टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट करते हैं। वो बोलते हैं कि टूर्नामेंट पहले की तरह जारी रहेगा और ये रहे क्वार्टर फाइनल्स के मैच। पहला मैच होगा सनगोकू वर्सेस ऊप, दूसरा मैच होगा वेजिटा वर्सेस सेल, तीसरा मैच होगा XXI वर्सेस सुपर बू और चौथा मैच होगा सनब्रा वर्सेस घास कारकोल। जल्द ही सनगोकू वर्सेस ऊप की फाइट शुरू होने वाली है और ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, पर चिंता मत कीजिए, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लेकर आ जाऊँगा। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम उन्हें मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।